चलिए हमको प्रूव करना है कि प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर रूट टू को अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो देखिए क्या किया जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे कोई नंबर है, देखिए अगर कोई रियल नंबर जो होता है, कोई रियल नंबर है या कोई रियल नंबर है, ठीक है। अगर रियल नंबर जो होते हैं वो होता है या तो वह रेशनल होता है या तो वह इरेशनल होता है, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर है या तो वह रेशनल होता है या तो क्या होता है, इरेशनल होता है। हमको इसको प्रूव करना है इरेशनल, ठीक है। तो अगर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, ध्यान समझिएगा, अगर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है तो अगर मैं यह प्रूव कर दूं कि ये रूट टू जो है वह एक रेशनल नंबर नहीं है, अगर मैं यह प्रूव कर दूं कि वह जो रूट टू होगा यह रूट टू एक रेशनल नंबर नहीं है, जब यह एक रेशनल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब यह प्रूफ हो जाएगा कि यह क्या है, एक इरेशनल। क्यों? क्योंकि रूट टू तो रियल नंबर है ही, ये बातें हैं। रूट टू जो है यह एक रियल नंबर है ना, जब यह एक रियल नंबर है, जब यह एक रियल नंबर है तो हम लोग अगर प्रूफ करेंगे कि यह एक रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा सर जी, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए एक कहानी समझिएगा ना, एक कहानी है कि एक लड़का है राहुल, रिक्शा एक और लड़का है मोहन ना। मोहन कहता है राहुल से कि तुमने मेरे घर चोरी किया है। किसे कहता है? राहुल से। कौन कहता है? मोहन। मोहन कहता है राहुल से कि तुमने मेरे घर चोरी किया है, और राहुल कहता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे घर चोरी नहीं करता हूँ, किया हूँ, ठीक है। तो यह मोहन बार बार राहुल से कह रहा है कि नहीं तुमने चोरी किया हुआ। एक कहानी समझिए, इस कहानी का पूरा मतलब इस क्वेश्चन से है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, यह राहुल कहते कहते हार जाता है कि मैंने चोरी नहीं किया है। तो वह कहता है कि चलो भाई ठीक है, जो तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे घर चोरी किया है मान लेता हूँ। कहता है ठीक है, अच्छा तो बताओ तुम्हारे घर चोरी कब हुई? वो बोलता है लगभग रात को 12 बजे के आसपास चोरी हुई है। मोहन कहता है कि लगभग रात को 12 बजे के आसपास चोरी हुई थी। अच्छा कब हुई थी? आज रात को हुई थी ना। तो राहुल कहता है कि ठीक है, अच्छा आज तुम्हारे घर रात में 12 बजे चोरी हुई थी, तो देखो चलो मैं तुमसे कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। राहुल जाता है अपने दोस्तों से मिलवाता है, जो दोस्त कहते हैं कि हाँ आज राहुल और हम लोग साथ में एक शादी में गए हुए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? शादी में, किसी मैरिज हॉल में गए हुए थे ना, और हम लोग दोस्तों के साथ थे और वहाँ पर हम लोगों ने खूब डांस किया, मस्ती की, और साथ में वहाँ पर कैमरा भी, वहाँ का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है देख सकते हो तुम, यहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अच्छा ये देखो दूल्हे का भाई है, दूल्हे के भाई से मिल लो, हाँ दूल्हे के पापा इनसे भी मिल लीजिए, और दूल्हे से खुद तुम मिल लो ना, वो भी खुद कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब राहुल कितने, वो बताते हैं कि यह लगभग 8 बजे शादी में आया था, और 8 बजे से लेकर के यह सुबह 3 बजे तक हम लोगों के साथ में ही था। अब क्या होगा कि वो लड़का या तो 8 बजे से 3 बजे तक शादी में ही हो सकता है, ठीक है, या तो उसके घर रात को 12 बजे चोरी कर सकता है, ठीक है। तो उसने अपने चोरी न करने का प्रमाण नहीं दिया है, वो उसने प्रमाण यह दिया है कि वह शादी में था। वह कहाँ था? वह शादी में। जब वह शादी में होगा तो या तो उसके घर चोरी कर सकता है या तो शादी में हो सकता है, तो इस बात का एविडेंस है कि वह शादी में था, तो इसका मतलब है कि वह चोरी नहीं कर सकता है, ठीक। उससे सेम उसी प्रकार से क्या होगा, अगर कोई रियल नंबर है, अगर वह रेशनल और या इरेशनल होगा, तो अगर हम लोग दिखा दें कि वह रियल, वह रेशनल नंबर नहीं है, वह जो रियल नंबर है वह रेशनल नहीं है, जब वह रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, पक्की बात है कि वह क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या होता है भाई? कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया कि यह पूरी तरह से बात प्रूफ नहीं है, ठीक ना, बस यह बात उल्टा भी साबित हो सकता है। क्या कि रूट टू इज रेशनल, क्या कि रूट टू इज रेशनल, ठीक ना। हमने मान लिया क्या कि रूट टू जो है यह क्या है, एक रेशनल है। जब यह रेशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा भाई? जब यह रेशनल होगा, समझिए बात को ना, अगर यह क्या होगा, अगर इरेशनल होगा तो रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए अपान बी हो जाएगा।
और ये कैसा होगा, जहाँ पर ए और बिहेवियर ए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। बात समझ में आया कि यहाँ जो ए और बी है ये कैसे नंबर हैं, को प्राइम। अच्छा, को प्राइम क्या होता है समझिए, देखिए को प्राइम क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया 10/15 ले लिया, ठीक है, तो 10/15 है इसको, अब यह 10 और 15 को प्राइम है क्या, नहीं, यह को प्राइम नहीं है। क्यों यह को प्राइम नहीं है, क्योंकि यह 10 और जो 15 है यह किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसे डिवाइड हो रहा है, अच्छा यह तो किसी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 10 5 3 15 यह 2 और 3 मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, 2 और 3 मिल गया, मीन्स अब यह 2 और 3 किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, अगर मतलब 2 और 3 के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जब दो नंबरों के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उन नंबरों को को प्राइम कहा जाएगा। को, को मतलब होता है पेयर ना, देखिएगा को प्राइम मतलब एक पेयर में, प्राइम अकेला एक नंबर नहीं होगा, यहाँ पर को प्राइम की बात करोगे तो अकेला नहीं होगा, को प्राइम होगा दो नंबरों के साथ में होगा ना, तो 10 और 5 को प्राइम है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पर दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, क्या है वो कॉमन फैक्टर, वह कॉमन फैक्टर 5 है, या सिंपली समझ लो दो अगर नंबरों को ऐसे लिख लेते हो आप कुछ भी ना, अगर दो नंबरों को आप ऐसे लिख लेते हो ना, दो नंबरों को हमने ऐसे लिख लिया, अगर ये नंबर डिवाइड हो पा रहा है किसी नंबर से ना वन के अलावा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह नंबर को प्राइम नहीं रहा होगा, अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा, एक को प्राइम है 4 और 3 और 20 और 15 को प्राइम नहीं था। बात समझ में आ गया, हाँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ए और बी क्या था, को प्राइम, मतलब ए और बी के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। अच्छा, इसको डिवाइड इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी और रूट टू ना, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट टू बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ ऑन साइड, ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ ऑन साइड कर लोगे तो क्या, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर ना, जब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। देखिए रूट कैसे खत्म हो जाता है, जब किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो, रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट खत्म हो जाएगा, कैसे, देखो ऐसे आप रूट टू स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया 2 इंटू 2 का पेयर बना, बाहर आ गया 2, ठीक है, एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या, रूट टू का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा क्या, रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा ना। अच्छा, इसका पावर जो होगा रूट टू के पावर कितना होगा, 1/2 इंटू 2 के पावर कितना होगा, 1/2, पावर ऐड करते होता ना, यक्स यक्स के पावर 3 इंटू यक्स के पावर 4 कितना होगा, पावर ऐड करोगे यक्स पावर 7, उसी प्रकार पावर ऐड करिए 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 के पावर 1, मीन्स ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, एक तरीका और देख सकते हो क्या, रूट 2 के पावर कितना है, 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 1/2 के पावर 2, ये होगा ना, जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हो आप, करते हो पावर का पावर में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, क्या होगा 2 के पावर 1, फिर से क्या हो गया, फिर से क्या बन गया, ये बन गया आपका 2, ठीक है, ये क्या बन गया, ये हो गया, ये आपका फिर से क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आई, चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा कि यह 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, कौन सा थ्योरम, हमने पढ़ा था थ्योरम कौन सा, थ्योरम 1.3 पढ़ा हुआ था ना, अगर कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ऐसा समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए क्या है, 36 है, ठीक है, 36 जो है वह क्या कर रहा है, 36 को एक नंबर प्राइम नंबर 2 इसको डिवाइड कर रहा है, और क्वेश्चन कितना बच गया, 18 आ गया, समझ में आया बात। अच्छा, यह नंबर किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 2 इंटू 18 हो गया। क्या हो रहा है कि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही प्राइम नंबर इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, किसको, 6 को, जब 6 को डिवाइड करेगा क्या क्वेश्चन वही रहेगा, बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही थ्योरम है ना, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। देखिए अब ए 2 जो है ए स्क्वायर डिवाइड किया हुआ है ना,
तो क्या करेगा, ये टू ए को भी डिवाइड करोगे तो लिखोगे क्या, लिखोगे सिंस टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफोर टू आल्सो डिवाइड्स किसको, ए को ना, जब टू ए स्क्वायर डिवाइड किया तो टू क्या करेगा, ए को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, रिजल्ट ए निकल कर आएगा कि ये जो ए होगा तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ये क्या बन जाएगा, कोई नया क्वाशेंट आ जाएगा ना। जैसे हमने बताया ना, यहाँ पर हमने बताया आपको ना कि जो क्वाशेंट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बी स्क्वायर की सिक्स स्क्वायर डिवाइड करता 18 था, अब 6 को डिवाइड करेगा तो 3, कुछ नया क्वाशेंट आ जाएगा ना। इसी प्रकार ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था, अब यहाँ नया क्वाशेंट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो लाइन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ना कि सी कैसे हो गया। सी मतलब नहीं, ये कुछ भी आप मान सकते हो, सी यहाँ सी से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब इस बात की है कि आप कुछ भी मान सकते हो, कोई नया क्वेश्चन कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ ऑन साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ ऑन साइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4c का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2b स्क्वायर बाई इक्वेशन फर्स्ट से ना, क्या है बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि a स्क्वायर की वैल्यू कितना, 2b स्क्वायर रख दीजिए यहीं पर, हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। बात समझ में, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर वैल्यू 2b स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 2b स्क्वायर रख दिया। अच्छा, बी स्क्वायर वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2c का स्क्वायर। फिर वही बात आ गई ना कि अगर 2b स्क्वायर डिवाइड करेगा, सिंस टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, जब 2 डिवाइड बी स्क्वायर करेगा तो therefore 2 also divides b, ना 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। इसका अपना नया इक्वेशन बदल के क्या हो जाएगा, जब b को 2 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये नया क्वेश्चन कुछ भी नया क्वेश्चन कुछ आ जाएगा, x y z a b c d कुछ भी आप लिख सकते हो ना, बस a b मत लिखना क्योंकि यहाँ पर यूज किए हुए हो। अब इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, देखना ध्यान से थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है भाई, थर्ड और सेकंड को ध्यान से देखिए। हम लोगों ने यहाँ माना है कि यह ए और बी के पास, ए और बी को प्राइम नंबर है, मतलब इसके पास वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और थर्ड यह बता रहा है कि ए और बी के पास एक नया कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया, वो टू एक नया कॉमन फैक्टर आ गया ना। तो इसका मतलब जो बात हमने माना था शुरुआत में कि रेशनल है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे क्या कि हेंस, क्या हेंस कि ए एंड बी, ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर, अ कॉमन फैक्टर ना, वो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर टू है और किसके अलावा है, अदर देन वन है ना, ये जो कॉमन फैक्टर क्या है, वन के अलावा एक क्या मिल गया हमको, कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या कह दिया, अगर वन के अलावा एक कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या शो कर रहा है, ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है, जो बात मैंने मानी थी वो बात क्या हो रही है, अब वो गलत दिखती हुई नज़र आ रही है ना, जो बात मैंने माना था वो बात क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है ना, कि जो मैंने माना था कि ये एक को प्राइम नंबर है, अगर रेशनल रहा होगा तो ये उसको रेशनल को पक्का है कि उस समय सालों करते करते वो को प्राइम के फॉर्म में आ जाता ना, लेकिन यहाँ पर हमने माना था, लेकिन अब क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है। तो क्या हो गया यहाँ पर भाई, तो क्या यह क्या शो कर रहा है, इट इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, यह क्या शो कर दिया, यह शो कर दिया, आपको दिख नहीं रहा सर, ये इसको और आगे ले लो, ठीक अभी हो गया। चलिए, ये क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है ये कंट्राडिक्शन है। जब ये कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिख दो क्या, हेंस आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट
इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा जो एजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब जो मैंने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। बात समझ में आ गई अच्छे से, एकदम बढ़िया सा हो गए। अगर आपको समझ में आया है तो इसको क्या करिए भाई, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।